तो अंबाड़ा कैंट में प्रियंका गांधी रैली करके गई है, कैंपेन करके गई है कुमारी सैलजा के लिए। तो कुछ भाई भी अड़पोच रहे थे, मालिकाना हक जनसभा तोपखाना परेड उड़न के मकान है, तो इनकी क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, न्यू समझ लो हमारी देसी बैठक है, जो कर हमारी देसी पंचायत वह तो देसी बैठक है, और इसका इनका मुद्दा भी हम जरूर देवांगे। तो ये बहुत बता रहे थे, बोले हमारी भी सुनो जी, हमारी कोई बात है तो अपना मुँह तो बताओ, क्या मुद्दा था। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो, सारे सभी को सारे नू राम राम, सारे नू राम राम जी, सारे नू राम राम। बताओ जी, ये हमारे पूर्वज तोपखाना परेड में अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे 1883 के अंदर लाकर, ठीक है, लगभग हमारे पूर्वजों को और हमें यहाँ पे रहते हुए 175 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारी जगह का हमें मालिकाना हक नहीं मिला है, जिसको लेकर हमने 3 महीने पहले धरना लगाया है और धरने को पूरे 3 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से हम भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा हमारे मुद्दों पर अभी तक अनसुनी है। कैंटोनमेंट बोर्ड व सरकार के कान पर हमारे मुद्दों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है, जिसको लेकर हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बहिष्कार का निर्णय लिया था और आज हमने इसी मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी जी को स्वयं अपने हाथों से ज्ञापन सौंपा है। प्रियंका गांधी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके ज्ञापन को पढ़ने के बाद इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा और आपके साथ जो ये अन्याय हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर है और इसे होने नहीं दिया जाएगा। ये बड़े जो मौके गए हैं, जो अधिकारी हैं या फिर जो सरकार है, उन तक जाओ तुम्हारा डेलीगेट्स के कहाँ हमें, आप जी उन तक पूछो। जब उन तक पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन का मोड है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पिछले हम 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और कोड ऑफ कंडक्ट अभी 1.5 महीने से लगा हुआ है, लेकिन बस ये इलेक्शन का हवाला देते हुए और कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग और वी कैन नॉट से एनीथिंग। कब्जा तो धारा होगा, कब्जा तो होगा, कब्जा हमारा है और पिछले 175 साल से हम रह रहे हैं, गुड़दावड़ी भी हमारे पूर्वजों के नाम है। तो फिर बह क्यों मान रहे हो जब आपके नाम गुड़दावड़ी है, कब्जा आपका है, बह किस बात का है? नहीं, बह इस किसी बात का नहीं है, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा हमारे लोगों पर मनमाना रवैया होता है, कभी भी आकर किसी का घर कैंटोनमेंट उजाड़ देता है और दूसरी चीज़ क्या है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर वो हमारे नए घरों को तोड़ के चले जाते हैं, जबकि हम अपने पुराने घर को क्या रिनोवेट भी नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई भी पुराने घर को रिनोवेट करके नया बनाता है तो उसके घर को गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अनऑथराइज बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अगर हम ये पूछना चाहेंगे सरकार से, मौजूदा सरकार से, कि अगर एक व्यक्ति दुकान को 20 साल तक किराए पर लेता है और 20 साल तक अगर उसका मालिक ना रहे 20 साल बाद, तो वो किराएदार मकान मालिक हो जाता है और यहाँ तो हमारे पूर्वज 175 साल से रह रहे हैं और ये ज़मीन जो थी ये बबियाल गांव वालों की थी, अंग्रेज़ों ने लीज़ पे ली थी और अंग्रेज़ों ने लीज़ पे लेके हमारे माँ बाप को दी थी, हमारे पूर्वजों को दी थी, अंग्रेज़ देश छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, जो पंजाब से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उन लोगों तक को यहाँ पर हक मिल गया है, लेकिन हमें अभी तक हमारा हक नहीं मिला है। कितनी संख्या आप लोगों की? लगभग 1800 लोग हैं वहाँ पर, 1800 परिवार है वहाँ पर। तो आप लोगों को इस बात का बैरव है, किसी भी टाइम कोई भी नोटिस हास गए और तो हम नोट तो ठहस गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप अपना पक्का काम चाहो? बिल्कुल पक्का काम चाहते हैं। तो यहाँ जो हरी शासन है, जिला अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहोगे जी, या जो समस्या है तारी नाक कतला है यार? देखो ऐसे है, जो भाइयों ने अपनी प्रॉब्लम रखी है हमारे राष्ट्रीय नेता के पास रखी है, अब उन्होंने देश दिया है, इनके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी हम करेंगे, इनका हक हम छीनने नहीं देंगे, ये हमारा वचन है। चलो ये वचन दिया है, और बाकी मैं तो एक बात फिर कहूँगा, राजनीति आड़े राजनीति करते हैं और जिन्हें दिक्कत है उसकी दिक्कत मिटती को नहीं, ये 175 साल तक बैठे हैं, उसके बाद भी इनका दिल मन धड़क धड़क रहा है अगर भाई कदे को नोटिस आ जाए और उस नोटिस के वजह तो हमने अपने मकान छोड़ने पड़े, तो यू बहस इनका बहस आता है। हाँ भाई, और कुछ